भी कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट। कोर्ट क्या बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा। मैं कुसुम, इसी विधि में मैं कुसुम। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोला है, इसके लिए पीछे बहुत केस चलेगा, इसके बाद होगा लास्ट, इसके बारे में बोलना वाला वही मैं बोल रहा हूँ, लास्ट होगा इसका केस का अंतिम, अभी नहीं है। अभी इसका अंतिम होने से सेविंग जगान का मैरिज कैंसिल किया हुआ, कैंसिल ही रह गया। हादी का सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है, उसके ऊपर मेरे को कोई विश्वास है, अच्छे विश्वास है। ऐसे दुनिया क्या क्या बोलेगा इसको, सब कुछ हम अभी बोल रहेगा, सुन ले तो हम सुनते रहेगा, लेकिन वो सच्चाई सब कुछ उधर आके देखा हुआ, इन लोगों को सबको पता चला है। बीट तरंग कैसे होगा, कोर्ट ने हाई कोर्ट ने दिया हुआ पोटेशन है इनको, इसका अलावा कौन सा इसका तरंग में रखा हुआ है, कोई कही भी नहीं था। जो आज तथाकथित हादिया का पति है वो आतंकवादी से जुड़ा है नहीं है, ये जांच का विषय है, ना ये जांच कर रहा। लेकिन केरल की सरकार हादिया के पिता को कभी कॉपरेट नहीं की। मैं केरल गया था अक्टूबर माह में, अंग्रेजी के एक समाचार में छपा था वहाँ 1300 बेटी मिसिंग हैं एक खास समुदाय के क्रिश्चियन के। वहाँ हिंदू और क्रिश्चियन ये एक संगठित लव जहाज चल रहा है सरकार के संरक्षण में, वहाँ की सरकार वोट के खातिर कुछ भी करवा रही है। ये एक बहुत कड़वा सच है और मेरा तो मानना है कि आतंकवादी संगठन लव जिहाद में भारत में पूरे तौर पे सक्रिय है। केरल का मामला उछल के आया है, हादिया के पिता को धन्यवाद कि उन्होंने कदम बढ़ाया, लोगों के सामने ले गया, लेकिन देश में कई हादिया और हैं जिनके पिता जुबान नहीं खोल रहे हैं। ये कटु सत्य है और केरल की सरकार सबसे बड़ा संरक्षक है, इस लव जिहाद में आतंकवादी का पूरा पूरा हाथ।